हेलो गाइज, मैं हूं नीतीश और भाई आप समझ गए होंगे थंबनेल देखकर ही इस वीडियो में क्या होने वाला है। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको पता ही हो गया होगा थंबनेल को देखकर, लेकिन फिर भी आपको बता दूं भाई, हम इस एमसीबी में दोनों लाइन को देंगे यानी कि न्यूट्रल एक तरफ और एक तरफ फेज को डाल देंगे और फिर देखेंगे एमसीबी मेरा ट्रिप करती है या एमसीबी ही जल जाएगी। ऐसे तो एमसीबी जो है क्लास सी 16 एम्पियर का एमसीबी है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है एमसीबी के साथ, एमसीबी ट्रिप करती है या एमसीबी जल जाएगी। और भाई इस एमसीबी में हम सप्लाई देने के लिए यहाँ पे इस चेंज ओवर स्विच का यूज करेंगे क्योंकि ये जो है स्पार्क को कहीं ना कहीं कम करेगा। यहाँ पे टोका सिस्टम का रखते हैं तो स्पार्किंग का चांस बहुत ज़्यादा हो। तो चेंज ओवर स्विच है, 32 एम्पियर का स्विच है, तो इसे खोल लेते हैं और सबसे पहले इसमें कनेक्शन करेंगे। और भाई साथ ही साथ हम यहाँ पे ए मीटर को भी लगाएंगे। ये जो एमसीबी है ऐसे 16 एम्पियर का है, क्लास सी 16 एम्पियर का है, ऐसे क्लास और भी होता है, क्लास ए बी सी ऐसे होते हैं, लेकिन ये क्लास सी 16 एम्पियर का है। और साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो ए मीटर है 30 एम्पियर तक की मेरा लोड को बताएगा। तो साथ ही साथ हम इसको भी कनेक्ट करने वाले हैं और देखेंगे कि कितने एम्पियर के बाद ये ट्रिप कर जाता है। इस ए मीटर को हम डालते हैं इसमें लोड। तो भाई ए मीटर जो होता है इसे सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, आप भी पढ़े होंगे इसे 10th क्लास में ही पढ़ाया जाता है। ए मीटर जो होता है हमारी इसे सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लग का भी यूज कर रहे हैं ताकि स्पार्क कम से कम हो। टिकल सिस्टम में हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है और सबसे ज़्यादा तो ध्यान देना पड़ता है कि स्पार्क कम से कम हो, तो इसलिए हम यहाँ पे लग का यूज कर रहे हैं। वाई मीटर को अब हम बैक साइड में कस देंगे इसे सीरीज में, सीरीज कनेक्शन यानी कि एक दूसरे से होकर पास हो जाना। तो भाई इसे यहाँ पे इसे थोड़ा सा टाइट कर देंगे। और भाई ये हो चुकी है मेरा कनेक्ट एमीटर के साथ। और अब हम क्या करेंगे कि एक एमीटर का जो लोड वाला जा रहा है यानी कि जो इसका आउटपुट जा रहा है हम सीधे इस एमसीबी में डाल देंगे। और भाई ये जो वायर है 2.5 mm का वायर है तो ये 25 एम्पियर तक तो लोड ले ही सकता है। और भाई एक फीट हो गया। और भाई एक वायर को हम डायरेक्ट ही लाएंगे, ए मीटर से वायर आया हमारा, इसे डाल दे रहे हैं हम चेंज ओवर में। तो भाई एक यहाँ पे फिट कर दिए और एक को और फिट कर दे रहे हैं। राइट गाइज, यहाँ से मेरा मेन सप्लाई जा रहा है यानी कि 220 वोल्टेज यहाँ पे जा रहा है और सीधे जा रहा है चेंज ओवर में। और इस चेंज ओवर को जैसे ही मैं यहाँ पे गिराऊंगा यानी इसे जैसे ही ऑन करूँगा तो करंट को बाईपास करेगा और एक करंट जो है मेरा ए मीटर से होते हुए जाएगा एमसीबी तक और एक जो है डायरेक्ट ही जा रहा है एमसीबी में। लेकिन एक काम और करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डबल पोल का एमसीबी है तो इसका जो मेन लीड होता है यानी दोनों को जो कनेक्ट करके रखता है इसे मैं निकाल दे रहा हूँ, ऐसे अब भाई आसानी से गिरेगा। और यहाँ पे अभी आपको मैं टेस्ट करवा दे रहा हूँ वोल्टेज को, पूरे 227 वोल्टेज और 25 यानी 30 के आसपास ये दोनों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं। भाई यहाँ पे ये हो गया इसका शॉर्ट, लाइन में हमने लाइन को डाल दिए हैं और लोड को हमने शॉर्ट कर दिए हैं। और भाई अब इसमें सप्लाई देते हैं और देखते हैं क्या होता है, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि चेंज ओवर जो है मेरा खुला है तो इसे सबसे पहले ढक लेंगे ताकि इसे चलाने में प्रोटेक्शन मिल पाए। और भाई सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब इसे ऑन करते हैं। और भाई इस चीज़ को आप घर पे अपना टाइम मत कीजिएगा क्योंकि हो सकता है शॉर्ट सर्किट के कारण से आग लग जाए। हम जो भी कर रहे हैं इसका प्रोटेक्शन से कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ ऐसा घर पे अपना ट्राई करने का कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। भाई ऑन करते हैं इन 3 2 1। और भाई अब देख सकते हो ये जो ए मीटर है पूरा 28 एम्पियर का लोड दे रहा है लेकिन अभी तक वो ट्रिप नहीं किया। ओह माय गॉड, अब तक तो उसे ट्रिप कर जाना चाहिए था। और भाई ये वायर देखो कितना हीट हो गया है, कैमरा में भी दिख रहा होगा। और भाई वहाँ से धुआं आना चालू हो गया है,
ओ माई गॉड। और राइट गाइस, अभी इसका सप्लाई को हमने कट कर दिए हैं और बाकी आप देख सकते हो इसका तार कितना ज़्यादा मुलायम हो चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो चुका है। और लेकिन ये अभी तक AMC भी ट्रिप नहीं किया, अब देख सकते हो ये किस प्रकार से हमारा घर का प्रोटेक्शन करेगा, ये भी यही जाने। ओ माई गॉड, और ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है। देखें कि 28 एम्पियर का फुल लोड करंट था MCB के अंदर, सी क्लास 16 एम्पियर का है, और जो कि अभी आपने देखे कि यहाँ पूरा 28 एम्पियर का लोड ले लिया, लेकिन अभी तक ये ट्रिप नहीं किया था। हाँ, अभी हमने इसे हाथों अपने हाथों से इसे ट्रिप कर दिए, और बाकी आप देख सकते हो केबल का हाल, यहाँ तो इसका मुलायम कर ही दिया, और बाकी ये साइड देख सकते हो जो हमने इनपुट डाले थे इसे तो मेल्ट ही कर चुका है। ओ माई गॉड, अब देख सकते हो किस प्रकार से वायर को मेल्ट कर दिया, लेकिन MCB अभी तक नहीं वो ट्रिप किया था, इसमें से और ज़्यादा काफ़ी धुआं भी निकलने लगा था, और लेकिन ये भाई ट्रिप नहीं किया। आपको क्या लगता है, इसे ट्रिप करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसा नहीं कि ये DP है, ये MCB है, आप यहाँ पे आप देख सकते हो इसका संकेत। अगर ये केवल डबल पोल रहता तो ये यहाँ पे इसका इस प्रकार से ये जो क्वाइल का संकेत है नहीं दिया हुआ रहता है। इस वीडियो में आपको कहीं पे भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगला एक्सपेरिमेंट किस चीज़ पर किया जाए आप कॉमेंट में ज़रूर से बताइएगा। एक यहाँ पर चालू है, और भाई एक जो MCB है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, आप देख सकते हो एक MCB बिल्कुल ख़राब हो चुका है, लेकिन एक यहाँ पे MCB है वो चालू है।